टू द सेशन, दिस इज केतन फ्रॉम सीडीसी मेंटर्स। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर आपके जो बूस्टर वर्कशॉप जो अभी आ रहे, बेसिकली वर्बल हो गया, DILR, फिर क्वांट्स हो गया, वी वॉन्ट नो अबाउट इट। सो कल YT लाइव जब मैं कर रहा था, काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आ रहे थे। आई यूजली डू नॉट प्रमोट कोर्सेज और यू नो गिव अ लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट माई कोर्सेज ड्यूरिंग YT लाइव, सो आई एम मेकिंग दिस सेपरेट वीडियो फॉर यू ऑल। सो इवन इफ यू आर नॉट सम इवन इफ यू आर somebody हु इज काइंड ऑफ नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग, यू नो दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि यार आपको पढ़ाई का फ्लो कैसे होना चाहिए, जहाँ तक वर्बल का सवाल है। एंड डेफिनेटली इफ यू आर समबडी हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय अ बूस्टर, इट विल हेल्प यू लॉट। एंड इफ यू हैव ऑलरेडी बॉट इट, इट विल हेल्प यू टू काइंड ऑफ यू नो अंडरस्टैंड कि मुझे पढ़ाई कैसे करनी है। सो विल किक स्टार्ट विद दिस, राइट? सी द फर्स्ट थिंग दैट यू ऑल नीड टू डू इज, आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा होगा, आपने कहीं से भी अगर आपने पैराजम्बल्स वगैरह पढ़ा होगा, एक रिक्वेस्ट यहाँ पे ये है कि आपको एवरीथिंग यू हैव टू अर्न लर्न, वो पहली चीज़ आपको देखनी है। बिकॉज देखो यार, काफ़ी मिसकंसेप्शन है पैराजम्बल को लेके। लोग कहते हैं कि यार 5 factorial है और ये होता नहीं है, इसमें काफ़ी प्रोबेबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज एंड यू नो लॉट ऑफ स्टफ इज देयर। सो यार आई एम नॉट ऑफ द ओपिनियन कि यार मतलब वाई पीपल आर पुटिंग मैथमेटिक्स इन टू यू नो वर्बल। सो जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने पढ़ा है, मेरे ख्याल से उसको एक बारी अनलर्न कर दो और एक फ्रेश माइंड से आप पूरा का पूरा वर्बल करने की कोशिश करो, इट विल हेल्प यू अलॉट। So if you have bought this program or if you are interested, if you buy this program, the first thing that you have to do is go through the entire Parajumble, right? The first and the foremost video that you should do is Parajumble rules. इसमें मैंने detailed manner में पूरे के पूरे rules को मैंने explain करा है along with the examples. The best thing about this is that, like जब मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, I also tell you where do you go wrong. सो ऐसा नहीं है कि बस as a faculty मैंने आपको बता दिया कि आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीज़ें करनी है, no. फॉर द फैक्ट आई नो एज अ स्टूडेंट मैंने कहाँ पे स्ट्रगल करा था। हमारे जो बच्चे हैं पिछले 3, 3.5 साल से हम जो सिखा रहे हैं या फिर बच्चों का जो एक्सपीरियंस है, आई नो एक स्टूडेंट पैराजम्बल में कहाँ पे गलतियाँ करता है। सो ऑल दैट थिंग्स आई हैव ऑलरेडी प्लॉटेड इन दिस प्रोग्राम। तो यार आपको ये देखना है कि अच्छा ठीक है, सर ने ये बोला है तो मुझे ये करना है। सो रूल्स आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होंगे। ऑल्सो यहाँ पे मैं आपको आपकी गलतियाँ बताऊँगा कि यार 100% आप यहाँ पे चुकने वाले हो, गलती करने वाले हो, वो भी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेगी। सो काफ़ी हेल्प होता है। दूसरी बात अगर हम करेंगे, जब तुम्हारा ये चीज़ हो जाएगा, मेरे ख्याल से इसका थोड़ा सा आपको एक रिवीजन करना ज़रूरी है। सो यू सिट डाउन एंड यू अंडरस्टैंड कि ओके ग्रेट, अब मैंने रूल्स समझ लिए हैं, मैं बस अपने दिमाग में रूल्स को दोहराऊंगा, आई कैंड ऑफ यू नो डू द रिकैप और कैंड ऑफ यू नो डू द रिवीजन फटाफट से कि ये रूल है, ये रूल है, ऑल दैट स्टफ, राइट? ये होने के बाद आपको सबसे पहले एक चीज़ करनी है, आपको ये वीडियो करना है। ये जो वीडियो है ना, ये राउंड अबाउट 2.5 घंटे की वीडियो है। यहाँ पे मैंने 2017, 2018, 2019 हाँ 3 साल के पैराजम्बल पूरे के पूरे मैंने क्रैक करके बताए हैं विथ शॉर्टकट्स, अ प्रॉपर शॉर्टकट यहाँ पे लगा के मैंने ये पूरे के पूरे आपको सॉल्व करके दिखाए, जहाँ तक पैराजम्बल्स के रूल्स का सवाल है वो भी यहाँ पे अप्लाई हुए हैं। इसके बाद यू हैव टू टेक अ पॉज, हाँ इसके बाद यू हैव टू टेक अ पॉज, फिर आपको पैराजम्बल नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको बैठना है, आपको पूरी नोट्स बनानी है कि ठीक है मैंने पैराजम्बल के रूल्स करे, उसके बाद मैंने 3 साल के पैराजम्बल के एक्चुअल क्वेश्चंस करे और ये मेरी लर्निंग रही है, ये मेरी गलतियाँ रही हैं, ठीक है? वो एक सेट आप लगाओगे, साइड में रखोगे। उसके बाद आपको एक काफ़ी अच्छी चीज़ करनी है, आपको जो भी मैंने रूल्स बताए हैं या फिर जो भी मैंने स्ट्रैटेजीज बताई है उसको आपको करना है आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुन लो और यहाँ पर आपका स्कोर बूस्ट होगा, मेरी गारंटी आपको। आप जब ये सब करने के बाद आपने उठाना है कैट 2020 का एक्चुअल क्वेश्चन पेपर, 3 क्वेश्चन पेपर है, slot 1, 2 and 3, ओके? देन आपको उठाना है कैट 2021 के 3 क्वेश्चन पेपर, slot 1, 2 and 3। आपको पैसिव वे में सॉल्व नहीं करना है, पेन पेपर लेके नहीं बैठना है, आपको सॉल्व नहीं करना है। आपको पैराजम्बल में जितनी भी चीज़ें मैंने कही है वो अप्रोच आपको देखना है 2020 और 2021 में लगता है कि नहीं लगता है। 100% गारंटी है that you will be able to see rules are getting applied in almost every parajumble. अब भी करना ज़रूरी क्यों है, बिकॉज आपके दिमाग को कहीं ना कहीं वो एक ज़रूरत है कि आप रिवाइज करो और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो। हम क्या करते हैं ना, जब हम पढ़ाई करते हैं तब हम बस पढ़ाई करते हैं, धड़ 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 सब कुछ कर लिया, टाइम लगे सब कुछ कर लिया, डन एंड डस्टेड, दैट इज़ नॉट द वे टू स्टडी। तो आपने एक कंटेंट कंज्यूम करा, आपने मेरे रूल्स को कंज्यूम करा, आपने वो एक वीडियो देखी 2.5 घंटे की, आपने चीज़ों को समझा, आपके दिमाग में वो फिट हो गया। अब जब वो फिट होता है ना आपके दिमाग में, मतलब आपको वो समझ में आया, अभी आपका टाइम है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का। उसके बाद जब आप कैट 2020 का पेपर लोगे, आप बैठोगे,
आप देखोगे कि अच्छा इसमें कनेक्टर है क्या, अच्छा इसमें ये चीज़ है क्या, अच्छा सर ने ये भी बोला था, ओके तो मुझे ये भी यहाँ पे दिख रहा है, ओके यहाँ पे एक्सेप्शन भी आया है। तब जब आप देखोगे ना कि यार जो सर ने बोला है वो एक्चुअली अप्लाई होता है कैट 20 में हुआ, कैट 2021 में हुआ, तब बनता है आपका बिलीफ सिस्टम, है ना। 2 into 2 = 4, कोई क्वेश्चन करता है कि इस चीज़ को, नहीं, क्योंकि हमारा बिलीफ है उसके ऊपर कि भाई 2 into 2 = 4 ओनली, देर इज नो डाउट अबाउट इट। ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी है वर्बल में। तो जब आप कैट 20 का पेपर करोगे, 21 का पेपर करोगे खुद से पैसिव वे में, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये चीज़ें वर्कआउट होती है। फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको पॉज लेना है, आपको आगे चलना है। आप क्या कर सकते हो, आप ऑड वन आउट कर सकते हो, ठीक है। आपने ऑड वन आउट थोड़ा कर लिया, आपने पैरा समरी कर लिया, वीडियोज देख लिए, उसके बाद आपको पैरा जंबल पे आना है। तो आपने पैरा जंबल कर लिया, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया, बीच में ऑड वन आउट कर लिया, पैरा समरी कर लिया, तब तक पैरा जंबल आपके दिमाग में है, राइट, आपको फटाफट नहीं लगाना है। पैरा समरी ऑड वन आउट होने के बाद आपको पैरा जंबल पे आना है, फिर कैट 2020 और कैट 2021 करना है। अगर आपकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है, मतलब बेटा यू आर सॉर्टेड फॉर वर्बल एबिलिटी, आप लोड ही मत लो। बट अगर मान लो आपकी एक्यूरेसी नहीं है, आपने थोड़ी गलतियां करी कि शिट यार सर ने ये बोला था पर मैं गलत हुआ, तो 2-3 दिन का जब टाइम चले जाता है ना, उसके बाद जब आप करते हो ना, तब आपको पता चलता है कि आपको कितना समझा नहीं समझा। अगर आप गलत गए तो भी लोड नहीं है। आप कैट 2020 के पैरा जंबल्स यहाँ पे मैंने सॉल्व करे हैं, प्लीज ये कैट 2020 का वीडियो देख लेना। ये अगर आप देखोगे राउट एंड अबाउट ये वीडियो ही 2-2.5 घंटे का वापस है। तो कैट पैरा जंबल ऑलरेडी देखा जाए तो हमने 5 घंटे को आपको यहाँ पे पढ़ाया है, राइट। सो ये चीज आपको करनी है कैट पैरा जंबल के साथ, ऑड वन आउट के साथ एंड पैरा समरी के साथ। इस तरीके से आप पूरा का पूरा ये चीज करने वाले हो और आपका काफी इंप्रूवमेंट आएगा। आगे चलेंगे, आपको करना है रीडिंग कॉम्प्रेशन। देखो वो सिंपल सी बात है कि जितनी भी मैंने रीडिंग कॉम्प्रेशन के वीडियोज यहाँ पे रखे हैं आपके लिए, ये जो नया पैटर्न है कैट का, इसके लिए ये मोर देन इनफ है, ये मोर देन इनफ है। ऑल्सो एक बात याद रखना बच्चों, ये बूस्टर वर्कशॉप है ना, ये हमारा S99 वर्बल एबिलिटी वाला प्रोग्राम नहीं है जहाँ पे हम काफी चीजें पढ़ाते हैं। बट यहाँ पे जो भी चीजें मैंने कवर करी है आपको इससे बहुत फायदा होगा। तो देखो आपने यहाँ पे हमने क्या करा है, कैट आरसी स्ट्रैटेजी, सबसे पहले आपको ये वीडियो करनी है, ठीक है। उसके बाद कैट एक्चुअल आरसी 1, 2, 3, 4 जितनी भी है एक बार देखना। 2 वीडियो इज ऑल्सो काइंड ऑफ मिसिंग, यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। ये आपको कम से कम 9 वीडियोज यहाँ पे लगाने हैं आरसी के, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ। फिर हमने यहाँ पे लगाए हैं कंसेप्ट बूस्टिंग लेसन। सो यहाँ पे क्या होता है ना, जो भी आपके डाउट्स है, राइट, हमने यहाँ पे वापस एक रिविजन आपको दिया है जो आपको काफी हेल्प करेगा। फाइन, अब बोलोगे सर इसमें इतना ही है क्या, नहीं, ये जो वर्कशॉप है पूरा का पूरा ये रिकॉर्डेड प्लस लाइव मोड में होने वाला है। अब लाइव मोड में आपके साथ क्या क्या होगा ये भी मैं आपको एक बार फटाफट दिखा देता हूँ। सो ये है मेरा पूरा का पूरा स्केड्यूल जहाँ तक सवाल है हमारे बूस्टर वर्कशॉप लाइव सेशंस के बारे में। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है क्या क्या अपलोडेड है, क्या क्या अपलोडेड नहीं है। अब आप जब मेरे साथ बैठोगे, October 1st को मेरा लाइव लेक्चर होगा, हाँ October 1st को मेरा लाइव लेक्चर होगा। उस लाइव लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम करेंगे कैट 2021 का एक्चुअल पैरा जंबल लाइव में करेंगे, और ये चलेगा राउंड अबाउट 2.5 से 3 घंटा। तो जितने भी आपके पैरा जंबल के क्वेश्चन है, जितने भी आपके पैरा जंबल के कंसर्न्स है, ये वो 2.5 से 3 घंटे वाले जो सेशन है वो कैट 2021 के तो मैं करूंगा ही करूंगा, 3 स्लॉट के पैरा जंबल प्लस आपके डाउट सॉल्विंग भी मैं करूंगा। तो आपका यहाँ पे पैरा जंबल पे होल्ड काफी अच्छा हो जाएगा। प्लस अगर मान लो आपने खुद से करा है, आपके सब आंसर सही आए हैं, यू कैन सी मी द वे आई एम क्रैकिंग दिस पैरा जंबल्स, जिससे आपको काफी कॉन्फिडेंस आएगा कि यार चलो मेरा अप्रोच और सर का अप्रोच काफी सिमिलर है, तो यार आप कैट के लिए रेडी हो। फाइन, तो अगर आप देखोगे इसमें बहुत सारे हम लाइव सेशन लेने वाले हैं गाइज। लाइकवाइज पैरा समरी का भी लाइव सेशन होगा, लाइकवाइज पैरा जंबल और लाइकवाइज ऑड वन आउट का भी सेशन होगा। सो October 1st, October 2nd एंड October 3rd, 3 दिन लगातार हम वर्बल एबिलिटी कैट 2021 करने वाले हैं। तो आपका पूरा का पूरा वर्बल एबिलिटी अच्छे खासे से क्लियर हो गया। अब इसके आगे अगर हम चलेंगे तो आपने कहा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सो आरसी मैंने ऑलरेडी अपलोड मारे हैं आपके डेस्कटॉप पे, आई मीन आपके डैशबोर्ड पे ऑलरेडी आरसीज है। अब आगे जाके क्या करेंगे, यहाँ पे और कुछ आरसीज आपके साथ करेंगे। और अगर आप देखोगे यहाँ पे हम देखें अब 12, 13, 14, 15, राइट। सो 2021 के कुछ आरसीज जो होंगे वो मैं आपके साथ लाइव सेशन में करूँगा, कुछ आरसीज में रिकॉर्ड करके डालने वाला हूँ यहाँ पे। इसका मतलब होता है टू बी अपलोडेड, ये 25 सितंबर तक आ जाएगा, आपको इसको करना है बकायदा बाइज़त। एंड 5th, 6th एंड प्रॉब्ली 7th को भी
मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़े से और रीडिंग कॉम्प्रेंसेज यहाँ पे ऐड कर दूँ, फिर अब आरसी करेंगे। तो आपने खुद से आरसी के रूल्स करें, आपने खुद से आरसी के फंडामेंटल समझ लिए, स्ट्रैटेजी शॉर्टकट समझ लिया, आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया। जब आप मेरे साथ लाइव लेक्चर में बैठोगे तब डाउट सॉल्विंग भी होगा, प्रैक्टिस भी होगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो दो तीन सेशन में इसमें और ऐड कर दूंगा, दो तीन दिन हम और अच्छे से इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। सो इसका लोड मत लेना। सो ये जो पूरा का पूरा जो अगर आप देखोगे वर्कशॉप जो हम कर रहे हैं, इसमें हर एक चीज़ आपकी डन एंड डस्टेड है, ऐसा एक भी चीज़ नहीं है जो मिसिंग है। और एंड में हम आपका डाउट सॉल्विंग भी करेंगे और आपके लिए एक मेंटरशिप सेशन भी होगा, दो ढाई घंटा चलेगा, कोई लोड नहीं। उसमें आपके सब क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, कैसे स्कोर बूस्ट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी मज़ेदार होता है, हर साल मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ 7 दिन, बड़े कम से कम 10 दिन तक चलते जाता है। ये मेरा एक छोटा सा अटेम्प्ट है जहाँ पे मैं आपको मैक्सिमम वैल्यू एडिशन दूँ। सो दिस इज वन थिंग। अगर आप कहोगे कि सर हमें और डिटेल में पढ़ना है, हमें इन्फ्रेंस बेस्ड आरसीज करने हैं, हमें और ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस आपके साथ करनी है, वो ग्रीक माइथोलॉजी हो गया, फिलोसॉफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ये सब चीज़ें हमें करनी है, हमें आपके आरसी के रूल्स भी चाहिए जिसके बारे में आप बात करते हैं, जब हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी आता है रूल्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, हमें वो भी करना है। अगर आपकी इच्छा वो है, राइट, मेरे ख्याल से ये जो हमारा वर्कशॉप है इट इज़ 2,360 रुपीज़ मेरे ख्याल से, देन यू कैन ज्वाइन S99 फॉर वर्बल। ये प्रोग्राम अभी भी अवेलेबल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें कंटेंट अलग लेवल पे है, मतलब काफ़ी कंटेंट है इसमें, आप ये भी आप यूज़ कर सकते हो। इसकी कॉस्ट इज राउंड अबाउट 6,000। सो इफ यू आर रियली स्ट्रगलिंग विद वर्बल यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन S99। इसमें आपके लाइव लेक्चर्स राउंड अबाउट 23 या 24 नवंबर तक चलेंगे। बूस्टर वर्कशॉप इज अ छोटू सा वर्कशॉप, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ यू नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम यू कैन गो फॉर बूस्टर, उसमें भी आपको हेल्प होगा, बट यहाँ पे आपको ज़्यादा हेल्प होगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी। सो गाइज ये रहे हमारे अपकमिंग वीए वर्बल एंड एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के वर्कशॉप, जिसके बारे में आप जानना चाहते थे, काफ़ी हेल्पफुल है, बहुत सारे बच्चों को हेल्प करा है। ये शॉर्ट टर्म जो कोर्सेज अब बनाते हैं, आई मीन हम एक्चुअली कभी ऐसा रिकॉर्ड नहीं रखा है इन चीज़ों का, बट अगर मैं मोस्टली बात करूँ तो देयर आर सो मेनी 99% टाइलर्स दे ओनली ज्वाइंड इज फॉर वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दे कुड स्कोर 99 बिकॉज ऑफ वर्बल, उनका वीक था पर वर्बल में अच्छा करा, सो वर्बल में 95-96 उनका बूस्ट हुआ, 70-80% से 95-96-97 तक बच्चे गए और उनको काफ़ी हेल्प हुआ। तो ऐसे हमारे पास बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, दिस इज़ वन ऑफ द पावरफुल वर्कशॉप, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो इट्स गुड बी ईजी पीजी। जहाँ तक वर्बल एबिलिटी का सवाल है, पैराजबल ऑड वन आउट पैरा समरी, इससे ईजी लेवल पे आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, दैट इज माई अश्योरेंस टू यू। सो एक बारी देख लेना, अंडरस्टैंड कर लेना, इट्स अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट फॉर यू, प्लस लाइव लेक्चर्स भी होंगे, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ रिकॉर्डेड दे रहे हैं, और लाइव लेक्चर्स भी काफ़ी अच्छे होंगे और मेरा सपोर्ट फुल ऑन होगा आपके लिए। सो गाइस अगर आप वर्बल के लिए टेंशन में हो, लोड मत लेना, मेरे ख्याल से ये वर्कशॉप आपको काफ़ी हेल्प करेगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन काइंडली पुट द कमेंट ऑन द वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, कीप किलिंग, कीप वर्किंग हार्ड। चलो बाय बाय।